so children this is chapter number 28 and the name of the chapter is famous books here we are going to learn about some famous books there are some of the famous books this is the first book it is a patriotic literary work uh, by bankim Chand chatterjee so bankim Chand chatterjee ne is patriotic literacy literary work and द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन दिस बुक ड्यू टू इट्स पैट्रिया कंटेंट सो इसमें मतलब अपने देश के लिए जो है राष्ट्रीय भावना थी इस बुक में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था इस बुक को बैन कर दिया था अशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्राम दिस बुक हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसे इस बुक से ही लिया गया है नेक्स्ट बुक इज दिस इज द बुक एंड द नेम इज रोहन

So, ये जो बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है मौलाना अबुल कलाम आजाद की एंड दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय हुमायूं कबीर तो हुमायूं कबूर कबीर ने इस बुक को जो है ट्रांसलेट किया था इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री सो ये बुक क्या बताती है ये, ये बुक हमें बताती है इंडिया के पार्टीशन फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था इंडिया का उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है और कैसे कैसे पार्टीशन वगैरह हुआ था। कॉमेडी एंड ट्रेटेजी ट्रेजिडी सो ये जो बुक है ये कॉम्बिनेशन है कॉमेडी भी है इसमें और थोड़ी बहुत ट्रेजेडी भी है फेमस मूवी वॉज ऑल्सो मेड ऑन इट और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई थी नेक्स्ट इज अकबर नामा ऑफ अब्दुल फाजल सो दिस बुक वाज रिटन बाय अब्दुल फाजल इट इज अ अम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ मुगल एम्प्रयर अकबर रेन सो मुगल एम्प्रयर जो थे अकबर उनके टाइम में उनके राज में क्या क्या चीजें हुई थी उन सब को जो है इस बुक में जो है लिखा गया और लिखा किसने अब्दुल फाजल ने नेक्स्ट इज मोहनदास मचंद गांधी ऑटोबायोग्राफी इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है एंड बुक जी के, के बारे में हमें बताती है. और उन्होंने किन किन चैलेंजेस का सामना किया था एज अग नेक्स्ट बुक इज गीतांजलि विच इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बाय रबी नाथ टेकोर ये जो बुक है इसमें बहुत सारी पोम्स है जो जिन्हें रविन्द्रनाथ ठेकोर ने लिखी है दिस बुक वन हेम द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन इस बुक ने जो है उन्हें जो है नोबल प्राइज दिया था लिटरेचर में नाइनटीन में उन्हें नोबल प्राइज मिला था इस बुक के लिए एंड ही बीकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें ये मिला था एन एज चाइल्ड के नारायण बेस्ट फ्रेंड वो आप पिकॉक है ना मांकी सो आपको ये पता जान के हैरानी होगी कि आर के नारायण के जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके चाइल्ड हुड में वो थे एक पिकॉक और एक मांकी